दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं टेलीकॉम न्यूज दोस्तों सबसे पहले भारत में आपका भाई टेक्नोनी ले देता है। वो बात अलग है कि यूट्यूब के थर्ड क्लास एल्गोरिदम के हिसाब से हमारे चैनल पे व्यूज नहीं आते, लेकिन कभी कभी तो वहां आज तक से पहले भी आपको न्यूज दे देते हैं। लेकिन दोस्तों न्यूज देना मेरा काम है, वो मैं करता ही रहूंगा, व्यूज आए ना है, वो मेरे हाथ में नहीं। मेरा काम आपको जागरूक बनाना, सबसे पहले न्यूज देना है। लेकिन दोस्तों मुझे पिछले कुछ महीनों से एग्जैक्टली मेरे जितने भी सब्सक्राइबर आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर कंप्लेन किस तरह से करते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो किस तरह से कंप्लेन करें, किस तरह से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको टेक्निकलिटीज के बारे में बताऊंगा। आज हम एक कंपनी को चूज करते हैं, एयरटेल। दोस्तों एयरटेल में अगर आप यूजर, एयरटेल का अगर आप यूज करते हैं, मोबाइल, ब्रॉडबैंड कुछ भी यूज करते हैं, तो एयरटेल में आपको कंप्लेन किस तरह से करनी है दोस्तों, और किस तरह से आपको 110% दोस्तों आपको रिस्पॉन्स मिलेगा एयरटेल की तरफ से। कंपनी बहुत अच्छी डेफिनेटली करेगी, लेकिन सही तरह से आपको कंप्लेन करनी होती है। पूरी प्रोसेस बताऊंगा, नोडल ऑफिसर क्या होता है, एपिलेट अथॉरिटी क्या होती है, कस्टमर केयर में किस तरह से करना है, कौन कौन से नंबर्स हैं, उनके मेल आईडीज क्या है, मेल क्या ड्राफ्ट करना है, कहां पे करना है, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप एयरटेल यूजर हैं, बाकी यूजर्स के बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एयरटेल यूजर्स के लिए। दोस्तों एयरटेल यूजर्स हैं और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एक सेकंड का भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आप कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिस कर जाएंगे। ये वीडियो दोस्तों एक्सक्लूसिव है इंडिया में, मैं दावा करता हूं कि कोई भी यूट्यूबर आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा, यहां तक कि एयरटेल वाले भी आपको नहीं बताएंगे कैसा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को मेल करना, कंप्लेन करना, वो मैं आपको लाइव आज दिखाने वाला हूं, लाइव एग्जैक्टली दोस्तों, वाइव बाय दिखाऊंगा कौन सा मेल आईडी है, क्या है, कौन सा एफिलिएट है, दोस्तों सब कुछ बताऊंगा, सर्कल वाइज क्या मेल ड्राफ्ट करना है ये भी बताने वाला हूं। तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे एयरटेल के बारे में। अगर एयरटेल के आप यूजर, एयरटेल की सर्विस यूज करते हैं और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, डेटा नहीं आ रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम है ब्रॉडबैंड में, कुछ भी एयरटेल की सर्विस से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली दोस्तों हर कंपनी, बड़ी कंपनी दोस्तों, कोई छोटी मोटी आंडू पांडू कंपनी नहीं है, इन्होंने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया होता है जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपको रेजोल्यूशन मिलेगा और 110% आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन लोगों को इतना ज्यादा जागरूक नहीं, लोगों को पता नहीं, सिर्फ कस्टमर केयर में बात की और वहां से अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो बस थक जाते हैं, बोलते हैं यार कोई कस्टमर केयर वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। कस्टमर केयर एक पहली सीढ़ी है, उसके बाद दोस्तों और भी सीढ़ियां आती है जो हाई टॉप मैनेजमेंट होती है, जहां से आपको 110% रिस्पॉन्स मिलता है। लोग आपके इंजीनियर आपके घर पे आके टावर लगा के जाते हैं, मतलब सेटिंग करके जाते हैं, ये सब होता है इन बड़ी कंपनीज में। तो इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं, मैं ले चलता हूं आपको एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर और दिखाता हूं कि किस तरह से आपको करना है, पूरी प्रोसेस पूरी आज को समझाने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, दोस्तों हम आ चुके हैं एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, एयरटेल इंडिया की दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं airtel.in। अब यहां पे दोस्तों मैं बता दूं आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी एयरटेल की, दोस्तों ये प्रीपेड, डीए, सब कुछ दिखता है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे हर कंपनी जो होती है दोस्तों आपको यहां पे ऑप्शन देती है हेल्प का। हेल्प में अगर आप जाओगे दोस्तों तो आपको अलग अलग मिलेंगे, एफएक्यू मिल जाएगा दोस्तों आपको, यहां पे कॉन्टेक्ट अस मिल जाएगा बहुत सारी। पहले आपको बेसिक चीज समझाता हूं कि कंपनी की वेबसाइट, हर कंपनी की वेबसाइट दोस्तों सरकार के हिसाब से चलती है, उसमें कुछ चीजें इनको रखनी ही पड़ती है। अब यहां पे दोस्तों देखेंगे प्रीपेड में क्या प्रॉब्लम, आपको कहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर केयर में आपको कॉन्टेक्ट कैसे करना है दोस्तों, यहां पे कस्टमर केयर के बारे में भी आपको सारी चीज यहां पे बताई जाती है कि कौन सा नंबर है। एयरटेल के कस्टमर दोस्तों तो 1-to-1 पे कॉन्टेक्ट करेंगे आपको, यहां पे हो जाएगा। अगर आपकी क्वेरी है तो आप यहां पे 198 पे करेंगे, ठीक है, कोई भी कंप्लेन है तो 198 पे, और क्वेरी आपकी तो 1-to-1 पे आपको सारे सजेशन मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई कंप्लेन करनी तो 198 पे करो, 198 पे करने के बाद आपको 48 आवर्स या 2-3 दिन वेट करना है। अगर तब भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता तो आपकी जो कस्टमर ये कंप्लेन नंबर आपको देते हैं, जब भी आप कंप्लेन करेंगे कंप्लेन नंबर आपको देता है, उस कंप्लेन नंबर को लिख के रखना। अब आपको आगे का स्टेप मैं बताने जा रहा हूं आपको करना क्या है। तो चलते हैं दोस्तों यहां पे ऊपर जाएंगे तो आपको यहां पे देखेगा, यहां पे आप अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं। हेल्प में जाके आपको कॉन्टेक्ट अस में जाना है, कॉन्टेक्ट अस में जाओगे दोस्तों तो ये पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे यहां पे प्रीपेड और पोस्टपेड दोस्तों अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं। प्रीपेड में अगर आप देखेंगे तो 1-to-1 आपको यहां पे मिल जाएगा, आपका रजिस्टर्ड नंबर से आपको कॉल करना है, यहां पे 198 आप कंप्लेन के लिए करेंगे। और यहां पे देखेंगे चार्ज लगता है, 3 मिनट का 50 पैसा लगता है, याद रखना आप दोस्तों, ठीक है। ब्रॉडबैंड की अगर कंप्लेन करनी तो ब्रॉडबैंड के लिए भी 1-to-1 है दोस्तों, वहां पे आप कर सकते हैं। और डीटीएच में अगर करनी तो डीटीएच के लिए भी दोस्तों यहां पे देख सकते हैं 1-to-1, 5-0। ये सारे के सारे सेक्टर एक साथ कवर कर रहा हूं दोस्तों, आपको पता चल जाएगा मेरे ब्रॉडबैंड वाले हीरो को भी, दोस्तों के लिए भी। एसओएस दोस्तों इसको बोला जाता है, नोडल, यस दोस्तों नोडल ऑफिसर दोस्तों हो जाए वो, मतलब कस्टमर केयर में अगर जवाब नहीं मिला, 3-4 दिन 5 दिन हो गए, कोई आपका सॉल्यूशन नहीं मिला आपको, तो आपकी कंप्लेन नंबर के साथ आपको नोडल को कांटेक्ट करना है। नोडल दोस्तों देखेंगे दो तरह के, यहां पे नोडल एक फिक्स लाइन और ब्रॉडबैंड के लिए, मतलब लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड वगैरह है तो उसके लिए नोडल अलग है, और मोबाइल के लिए अलग है। तो यहां पे मोबाइल को मैं क्लिक करके दिखाता हूं आपके कि इनके नोडल कौन है।
नोडल अथॉरिटी होगी दोस्तों, इनके ऑफिसर्स होते हैं जिनको आपको कांटेक्ट करना होता है। देखेंगे अलग अलग नोडल है दोस्तों, चेन्नई के लिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए, आसाम, हरियाणा, ये सबके दोस्तों डिटेल है उनकी एड्रेस के साथ, मोबाइल के साथ, और देखेंगे दोस्तों सारे के सारे उनके ईमेल एड्रेसेस भी यहाँ पे हैं। ये कंपनी की ओपन ऑथेंटिक वेबसाइट है, ये सब पब्लिक डोमेन में पूरा का पूरा डेटा है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैं गुजरात में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे गुजरात चूज करता हूँ, जैसे गुजरात है देख सकते हैं, गुजरात मैंने क्लिक किया, गुजरात में देखेंगे दोस्तों नोडल ऑफिसर यहाँ पे उनका नंबर भी दे रखा है और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एड्रेस भी है, जोड़ेक स्क्वायर दोस्तों हमारे अहमदाबाद में SGI पे दोस्तों इनके ऑफिस है, वहीं पे ये नोडल ऑफिसर बैठते हैं, इनका नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इनको आपको मेल करना है, इनको मेल करना है और बताना है आपके कंप्लेन नंबर के साथ, कंप्लेन नंबर के साथ आपको लिख के देना है कि सर ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मैं पिछले 4-5 साल से आपकी सर्विस यूज करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है लेकिन पिछले कुछ 10-15 दिनों से मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, डेटा नहीं मिल रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपकी हो आपको डिस्क्राइब कर देनी है आपकी मेल आईडी। कभी भी गलत अब्यूजिंग लैंग्वेज कभी मत यूज करना, गंदी लैंग्वेज कभी भी बिल्कुल भी मत करना, उससे आप माइनस पॉइंट में जाते हैं। रिस्पेक्ट से उनसे बात करिए कि आपको सर मेरी प्रॉब्लम हो रही है, मैं पिछले 5-6 साल से यूज करता हूं, कुछ महीनों से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे सॉल्यूशन कस्टमर केयर वाले नहीं दे पा रहे, ये मेरा कस्टमर आईडी है, कंप्लेन नंबर है आपका, ठीक है, कंप्लेन नंबर डाल देना, लिख देना उसके अंदर आपको मेल के अंदर और सारी चीजें आपको यहां पर हो जाएगी। अगर और इसके बाद भी दोस्तों ये 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर मतलब 2 या 3 दिन के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, इसके अंदर मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं दूसरा रास्ता क्या होता है। तो दूसरे रास्ते के लिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं और आपको दिखाता हूं, अगर यहां पे अगर आपका काम नहीं होता तो हेल्प में जाओ, कॉन्टेक्ट अस में आपको जाना है, कॉन्टेक्ट अस में दोस्तों आपको जाना है, कॉन्टेक्ट अस के अंदर आपको कहां मिलेगा दोस्तों, यहां पे देखेंगे अलग अलग ऑप्शन है। लास्ट में दोस्तों एपीलिएट अथॉरिटी होती है, ये अथॉरिटी सबसे टॉप मैनेजमेंट होती है दोस्तों, टॉप अथॉरिटी होती है जो किसी बंदे को मैनेजर को निकाल भी सकती है अगर कोई सर्विस नहीं देता और उसके हिसाब से अगर कंप्लेन आती है और कस्टमर बहुत परेशान है तो ये अथॉरिटी दोस्तों किसी मैनेजर को, किसी फील्ड ऑफिसर को जो काम नहीं कर रहा है, जो आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, उस बंदे की नौकरी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये एपीलेट अथॉरिटी दोस्तों यहां पे देखेंगे तो मोबाइल के लिए अलग है, ब्रॉडबैंड के लिए अलग है। तो मोबाइल पे मैं क्लिक करता हूं, एपीलेट अथॉरिटी दोस्तों कहां पे कौन-कौन सी वो भी देख लेते हैं दोस्तों। हर राज्य के हिसाब से मिल जाएगा, बिहार, झारखंड, जैसे कि मैंने बताया कि सबका सब मिल जाएगा। मैं फिलहाल आपको यहां पे हमारे गुजरात का दिखाता हूं कि हमारे गुजरात में एपीलेट अथॉरिटी कौन है, कौन है। तो देखेंगे दोस्तों गुजरात में यहां पे मिस्टर अभिषेक शर्मा है दोस्तों, उनका नाम भी यहां पे आ चुका है, एपीलेट दोस्तों उनका मेल एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है, पूरा का पूरा एड्रेस भी दोस्तों, ये भी वही SGI की जो मेन ब्रांच है यहां पे बैठते हैं, सब कुछ है। अब मुझे क्या करना, मिस्टर अभिषेक शर्मा को दोस्तों एक मेल करना है, उसमें सारी चीजें लिखनी है, मुझे बताना कि ये प्रॉब्लम है। अब आप सोच रहे होंगे सर मेल क्या करें, तो चलो इसका भी रास्ता दिखा देता हूं, मेल कैसे करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक मेल दोस्तों यहां पे ड्राफ्ट करके रखा, मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि देख सकेंगे यहां पे आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, आपके ऊपर है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में इस तरह से आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ना गूगल का ट्रांसलेटर आप यूज कर सकते हैं, वो आपको सीधा सीधा बता देगा कैसे करना है। देखेंगे डियर रिस्पेक्टेड, देखते हैं रिस्पेक्टेड टीम एयरटेल, टीम एयरटेल की है दोस्तों टॉप मैनेजमेंट, तो टीम एयरटेल लिख दिया। This is Neel Shekhawat from Ahmedabad. I'm using Airtel mobile service from last 10 years and I really appreciate your work. But from last 3 months there is some technical issues with me and I'm not getting proper network signals and my data and in my area. दोस्तों यहाँ देखो मैंने शुरुआत की, मेरा नाम बताया कि मैं पिछले 10 साल से आपकी सर्विस यूज कर रहा हूँ, थोड़ा बटरिंग भी करना होता है, अप्रिशिएट भी करना होता है। 10 साल से यूज करें इसका मतलब कुछ तो अच्छा है तब आप यूज कर रहे हैं। 10 साल से मैं आपकी सर्विस यूज कर रहा हूँ, मैं आपकी सर्विस को अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई भी गाली गलोच नहीं है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन पिछले 3 महीने से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरी एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहा है, प्लस मुझे डेटा भी नहीं मिल रहा, अच्छी डेटा स्पीड आपको नहीं मिल रही, डेटा मोबाइल डेटा स्पीड सो पुअर लिखा हुआ यहां पे। आई रेज दी कंप्लेन टू दी एयरटेल कस्टमर केयर डिपार्टमेंट बट दे डिडेंट गिव मी द सॉल्यूशन फाइनली। देखेंगे मैंने कंप्लेन करी वहां पे एयरटेल कस्टमर डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन उन्होंने मुझे यहां पे सॉल्यूशन नहीं दिया। फाइनली आई वांट टू रिक्वेस्ट द हायर एपीलेट अथॉरिटी ऑफ द एयरटेल दैट प्लीज गिव मी द फाइनल सॉल्यूशंस एंड टेक दिस कंप्लेन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। मैं अभी फाइनली आपके पास हूं, एपीलेट अथॉरिटी के पास, टॉप मैनेजमेंट से कंप्लेन कर रहा हूं कि प्लीज मेरी जो कंप्लेन है उसको आप हायर प्रायोरिटी पे रखिए और उसको मुझे जल्दी से जल्दी आप यहां पे सॉल्यूशन दे दीजिए, ठीक है, मेरा नेटवर्क जो है उसको जल्दी जल्दी ठीक कर दीजिए। ये पूरी की पूरी कंप्लेन इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इसमें जो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर लेना, लेकिन फिर से बताऊंगा कभी भी गंदी गलत लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी, सोफिस्टिकेटेड वे में, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं, इनके साथ अगर खराब लैंग्वेज यूज करेंगे तो भूल जाना कोई मिलेगी, यहां तक कि आप पे यहां पे उल्टा केस हो सकता है, ठीक है, आपका नंबर भी बंद हो सकता है, तो प्लीज बी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपने आपका नाम लिखना है, नील शेखावत, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है यहां पे, ईमेल एड्रेस आपका डाल देना है, ठीक है, एड्रेस आपको पूरा आपका डाल देना, पर्टिकुलर जिस एड्रेस पे आपको प्रॉब्लम हो रही, जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया आपको पिन कोड वगैरह के साथ, कस्टमर केयर का जो जो कंप्लेन नंबर है वो आपको यहां पे खास डालना है, जिससे क्या होगा जो कंप्लेन आपने ली है, ठीक है, जो आपकी कंप्लेन उन्होंने सॉल्व नहीं की, वो कंप्लेन नंबर डालने से इनको पता चल जाएगा कि इस कस्टमर ने कितने दिन पहले डाली थी। और दोस्तों इनकी कंडीशन भी मैं आपको दिखा दूं, यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है, यहां पे देख सकते हैं एपीलेट अथॉरिटी
भी इधर डायरेक्टली थ्रू दी ईमेल आप कर सकते हैं। और यहां पे एक चीज लिखी, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने लिखा हुआ है क्या आपकी जो भी कंप्लेंट होगी दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं आप, कंप्लेंट ना आपको 30 दिन के अंदर सर्विस नंबर रिक्वेस्ट नंबर आपके पास होना चाहिए और मैक्सिमम दोस्तों यहां पे 90 डेज विद इन 90 डेज ऑफ द एक्सपायर कंप्लेंट। ठीक है, आपने आज कंप्लेंट की कस्टमर केयर में नोडल में की और आपको सोल्यूशन नहीं मिला और आप एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, तीन महीना हो गया, छह महीने के बाद जागते हो एपिलेट में फोन करते हैं, मेल करते हैं, तो नहीं होगा। आपको 90 दिन के अंदर एपिलेट में कॉन्टेक्ट कर लेना है, 90 दिन, मैं तो बोलूंगा 30 दिन के अंदर ही कर लेना या 15 दिन के अंदर कर लेना, 90 दिन का वेट मत करना। ठीक है, 4-5 दिन 10 दिन में अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता, कस्टमर केयर वाले नहीं करते, नोडल ऑफिसर भी आपका काम नहीं करते, जो कर देते हैं लेकिन नहीं करते बाय चांस, तो आपको यहां पे जाके दोस्तों एफिलिएट को लिखना है, 15-20 दिन एक महीने के अंदर आपको यहां पे लिख देना, मेल डाल देना है और आपका कस्टमर जो कंप्लेन आईडी है वो जरूर डालना, उससे ये एक्सेस कर सकेंगे, ये कंप्लेन आईडी से इस बंदे ने कंप्लेन की थी एक महीने पहले की थी, ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसका सॉल्यूशन, वो बात करेंगे सब बंदों से जो, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट होता है इनका कि कौन से डिपार्टमेंट में ये कंप्लेन गई थी, वो बंदा क्यों नहीं कर पाया अभी तक, अगर उसने इसकी गलती तो उसको निकाल भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहां पे होती है और इस तरह से आप यहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको करना है। और फिर दोस्तों आपको एक मेल कर देना है, जैसे कि मैं मेल यहां पे कॉपी कर लेता हूं, यहां पे मैं मेल डाल देता हूं, पूरा का पूरा मेल जो है हमारा, इसको आपको यहां पे कॉपी करके मेल डाल देना है, पूरा का पूरा जो मेल है इसको कॉपी करते हैं और मेल आईडी में आपको यहां पे डाल देना है। और मेल आईडी जैसे कि मैंने आपको बताया, मेल आईडी तो ऑलरेडी बता चुका हूं, सब्जेक्ट में आपको डालना है दोस्तों, सब्जेक्ट जो होगा एक नॉर्मल होगा, मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है, यहां पे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एयरटेल एफिलिएट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों, ये डाल दिया। इसके बाद आपको मेल डाल देना, मेल आईडी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये देखो इनकी मेल आईडी से, जैसे कि मैंने आपको नोडल बताया, तो नोडल दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, पहले नोडल को आपको डालना है, नोडल का भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, जैसे कि गुजरात का मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये सारी चीज आपके सामने, नोडल ऑफिसर पहले इनको नोडल को डालना आपको मेल, और वहां से अगर सोल्यूशन नहीं मिलता 2 या 3 दिन या 4 दिन के अंदर, तब आपको एफिलिएट दोस्तों यहाँ पे मिल जाएंगे गुजरात के, इनको आपको डालना नाम के साथ, और मेल बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया, फिर आपको डायरेक्ट इनको मेल कर देना है। और कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी अगर आपके पास हैं, जैसे कि स्पीड नहीं आ रही या डेटा अच्छा नहीं आ रहा, वो स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज आप करके इनको मेल कर दीजिए, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरी की पूरी डिटेल जो आज मैंने आपको बताई, मैं लिख के देता हूँ, इंडिया में कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं जो आपको इस तरह से टेक्निकलिटी बताएगा कि कहां कहां पे आपको मेल करना है, कैसे मेल करना है, किसको करना है। आज तक दोस्तों हम सिर्फ कॉल करते हैं कस्टमर केयर में, वहां से जवाब नहीं मिलता, हम सोचते हैं चलो एयरटेल खराब है, एयरटेल खराब नहीं है, वो दोस्तों रिस्पांस नहीं जाता। और ये भी हो सकता है कि जो कस्टमर केयर वाले उनके पास लोड बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी आपकी कंप्लेंट स्किप हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, इसलिए फिर आपको अगर आपकी सॉल्यूशन वहां से नहीं मिल रहा है तो आपको नोडल को अप्रोच करना है। नोडल अथॉरिटी उनकी टॉप मैनेजमेंट होती है, टॉप अथॉरिटी होती है, वो आपको डेफिनेटली दोस्तों यहां पे सॉल्यूशन दे देगी, 90% आपको सॉल्यूशन वहां से मिल जाता है, लेकिन वहां से भी नहीं मिलता, आपकी नसीब इतना भी अच्छा नहीं है, तो दोस्तों टॉप मैनेजमेंट दोस्तों यहां पे एपिलेट अथॉरिटी थी जो यहां पे बहुत पावरफुल होती है, जो किसी बंदे को निकाल सकती है अगर वो काम नहीं कर रहा आपके लिए, क्योंकि कस्टमर कंपनियों के लिए भगवान होते हैं और ये सही बात है, और कंपनियां करती है, मैंने सभी से दोस्तों सॉल्यूशन लिया है, कंपनियां काम करती है, थोड़ा डिले होता है लेकिन कंपनियां करती है। तो एपिलेट को आपको मेल करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, एपिलेट अथॉरिटी कौन है, उनका मेल एड्रेस कैसे लेना है, ये सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड्स में। तो इस तरह से दोस्तों आपको कंप्लेन करनी है, और मैं बैट लगा के बोलता हूं दोस्तों ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, और ये मेल डालने के बाद और अच्छी तरह से डालना, कोई गंदा वंदा नहीं दोस्तों, कोई गाली गलौज नहीं, अगर आपने मेल डाल दिया दोस्तों, ये है मानने के बाद आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता ना, तो मैं मान जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि 110% फॉर्मूला चलता है, आपको सॉल्यूशन मिलेगा 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 मिलेगा, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है दोस्तों। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, एजुकेशन पर्पस से दोस्तों वीडियो बनाया गया, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा ही होगा वीडियो का, दोस्तों अच्छा लगा तो एक थम्स अप जरूर दे देना, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि किस तरह से कंप्लेन करनी, तो प्लीज सबके साथ शेयर करिए, सारे प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए, सबको पता चलना चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मेरा ज्ञान था मैंने आपके साथ बांट दिया, तो इसी बात पर दोस्तों एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है फ्रेंड्स, और ये जो बाजू में लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको जोर दबा दीजिए, उसको दबाने का फायदा ये होगा कि आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे, तो जरूर दबा देना इस बटन को, इसके पास एक घंटी का बटन दिखेगा, उसको जोर दबाना, ये एक जादुई बटन है फ्रेंड्स, इसको दबाने से जब भी मैं एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो, तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जोर दबा देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, ऑलवेज keep smiling।